नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से आपका IITN Academy में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो कंपटीशन की जब तैयारी कर रहे हो आप, तो आपके लिए मटेरियल की भी बात की जाए यहां पे थोड़ी सी। तो यहां हमने ये लॉन्च कर दिया दोस्तों आपके लिए ऐप, और आप जब भी इंग्लिश की जितनी भी वीडियोज़ वगैरह पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको दोस्तों मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसको वीडियो जितने भी हैं अपने लेक्चर्स वो आपके लिए अवेलेबल है, उनको किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो प्रोसीजर मैं थोड़ी सी आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, उसके लिए आप सबसे पहले जाइएगा कहाँ, प्ले स्टोर पर। कहाँ जाएंगे आप? प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पर जाके आप इस ऐप को IITN Academy सीकर का ऐप, यानी ये जो ऐप है अपना IITN Academy सीकर, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो दोस्तों, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ फिर दोस्तों आप प्ले ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं इंग्लिश के, मैथ्स के, ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स जो जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। और इन वीडियो लेक्चर्स के साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे PDF भी मिल जाएंगी, जितने भी वीडियोज़ अपने हैं लेक्चर्स हैं उनकी PDF भी आपके लिए तैयार हैं दोस्तों। और ये जो अपनी वीडियो लेक्चर्स जितने भी हैं वो स्पेशली फॉर आर्मी क्लर्क के लिए हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक बार काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आर्मी क्लर्क है, एयरफोर्स है, नेवी है, NDA है, और आपका ये बैंक और SSC, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना होगा, उसके बाद में वहाँ प्ले स्टोर पर जाके आप IITN Academy सीकर का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर आपको जितने भी इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ इन वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको PDF भी दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें ये जो स्पेशली वीडियोज हैं आपके लिए वो स्पेशली फॉर आर्मी क्लर्क, क्योंकि ये आर्मी क्लर्क का इंग्लिश का दोस्तों 100 नंबर का पेपर आता है, 100 मार्क्स का होता है ये पेपर इंग्लिश का केवल, तो उन विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखा गया है जो इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन एस्पिरेंट्स को भी ध्यान में रखा गया, नेवी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ध्यान में रखा गया है, और NDA, बैंक, SSC, इन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने लॉन्च किए हैं दोस्तों। और ये PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पे। इसके अलावा आपके लिए मैथमेटिक्स जो है उनके भी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, किसके? मैथमेटिक्स के, ठीक है। सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और साथ में वीडियोज़ के साथ में आपको पता ही है दोस्तों आपके लिए PDF भी अवेलेबल है। तो जब भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए, और उसके बाद में IITN Academy सीकर का एप्लीकेशन ये डाउनलोड कीजिए वहाँ से, और यहाँ पे आपको सारे इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और इसके बाद में दोस्तों अपन एक दो दिन बाद में ये जो फिजिक्स है उसके भी वीडियो लेक्चर्स अपने शुरू होने वाले हैं दोस्तों, और ये नया बैच अपना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो उस बैच में आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप जीवन में सक्सेस हो, ठीक है। और आपकी सफलता को ध्यान में रखते हुए ही ये वीडियोस जो हैं लेक्चर्स वो तैयार किए गए हैं, और हमने पूरी कोशिश की है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ही पढ़ाने की कोशिश की है, और वैसा ही पढ़ाया गया है जो आजकल का पैटर्न है, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात तो दोस्तों हमने यहाँ कर ली है, और उसके बाद में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और आज का चैप्टर रहेगा अपना बिल्कुल नया चैप्टर है दोस्तों प्रेपोजिशन का, और ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है, और ये अपना टॉपिक है दोस्तों प्रेपोजिशन का, किसका है दोस्तों? प्रेपोजिशन, ठीक है। ये प्रेपोजिशन होते क्या दोस्तों? इसका सबसे पहले तो हम जब इसके उच्चारण की बात करेंगे, प्रोनंसिएशन की, तो कई विद्यार्थी इसको प्रोनाउंस गलत ही करते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हो तो दोस्तों आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि जो इनका प्रोनंसिएशन है वो प्रोनंसिएशन एकदम सही होना चाहिए। तो इसको कई विद्यार्थी प्रीपोजिशन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रीपोजिशन कोई उच्चारण नहीं होता है। इसका जो राइट प्रोनंसिएशन है वो क्या है? प्रेपोजिशन। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? प्रेपोजिशन। ये होते क्या है दोस्तों? प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उनको क्या कर देते हैं? डिटरमाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं उनको? डिटरमाइन। तो इसमें मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं आपको, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रनाउन से पहले
तृप्त होकर इन्हें डिटरमाइन करते हो, इन्हें क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो, प्रेपोजिशन कहलाते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। प्रेपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या बात करें कि सबसे पहले ये अपना बिल्कुल नया चैप्टर है और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट की वन की बात हो रही है। प्रेपोजिशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ये होते क्या हैं, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रनाउन से पहले प्रयुक्त होकर इन्हें क्या करते हों, सुनिश्चित करते हों, डिटरमाइन करते हों, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जब मैं दोस्तों ऐसे कहूँ आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, लेकिन इससे कन्फर्म नहीं हो रहा मैं कहाँ बैठा हुआ था। अब जब आपको कन्फर्मेशन करना है तो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। जब मैं इतना ही बोलूँगा आई वॉज सिटिंग, तो इससे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। लेकिन जब मैं ऐसे लिखूँ आई वॉज सिटिंग इन द रूम, अब दोस्तों आपको पता है कि ये रूम यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। और नाउन को भी आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हो, यदि कोई आर्टिकल दे रखा है किसी वर्ड से पहले, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। और इस नाउन से पहले यहाँ एक वर्ड काम लिया गया है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन से पहले उसको सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब मैं इतना ही बोलूं आई वॉज सिटिंग, तो इससे हमें आइडिया नहीं लगेगा, हमें लोकेशन का पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही हमने प्रेपोजिशन का यूज किया, प्रेपोजिशन कौन सा काम में लिया है, यहाँ पे इनका प्रयोग किया है, इन द रूम, ठीक है। रूम यहाँ पे नाउन है और उस नाउन से पहले इसको ये क्या कर रहा है, इसको डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं जॉन केम बाय बस, अब मैंने लिख दिया दोस्तों जॉन केम बाय बस। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि जॉन आया, इतना ही बोलता मैं यदि जॉन आया, जॉन केम, तो इससे आइडिया नहीं लगता। लेकिन किससे आया, ये बस यहाँ पे दोस्तों नाउन है, ठीक है। और इसके पहले एक प्रेपोजिशन का यूज कर दिया गया, कौन सा प्रेपोजिशन, बाय का यूज कर दिया गया। अब बाय क्यों आया यहाँ पे, और क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसके पहले हम प्रेपोजिशन कौन सा लेंगे, बाय, और तब इसके पहले आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें अपन करने वाले हैं, आगे बाय का यूज भी पढ़ेंगे, सभी को वन बाय वन इनको पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये तो सामान्य बात है कि प्रेपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रनाउन से पहले प्रयुक्त होकर इन्हें क्या कर देते हैं, डिटरमाइन। अब ये दोनों सेंटेंस हमने पढ़े हैं, एक में इनका प्रयोग किया है दोस्तों, और एक में किसका प्रयोग किया है, बाय का प्रयोग किया है। इनसे एकदम डिटरमाइन हो रहा है, दोनों नाउन्स को हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रनाउन के बिना भी किया जा सकता है। अब जब आपके दिमाग में एक चीज़ ये भी आ रही होगी कि प्रेपोजिशन है, इसका प्रयोग आप नाउन या प्रनाउन के बिना भी कर सकते हो क्या, जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए देखो आप एक बार, यहां मैं नोट में लिखवा रहा हूं प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन के बिना भी किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यहां क्या लिखवाया मैंने, प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन के बिना भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, या मैं ऐसे लिख दूं, गोलू डज नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल और देख लो आप, मैं से लिखूं रोहित डज नॉट हैव अ पेन टू राइट विद, ठीक है दोस्तों। दो सेंटेंस लिखे हमने और दोनों सेंटेंस को आप गौर से देखिए एक बार। यहां लिख रहा हूं मैं गोलू डज नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन, यहां प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है दोस्तों सेंटेंस के एंड पोजिशन पे, ये क्या है अपना प्रेपोजिशन है। क्या इसके बाद में किसी नाउन का यूज हुआ है क्या, यहाँ कोई भी नाउन या प्रनाउन का यूज नहीं किया गया। इन द सेम वे
तो नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिखा है, रोहित डज नॉट हैव ए पेन टू राइट विद। यहां विद भी क्या है दोस्तों, एक प्रेपोजिशन है। क्या है ये? प्रेपोजिशन। और इसके बाद में भी हमने किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज थोड़ी किया है दोस्तों, नहीं किया है। तो प्रेपोजिशन का प्रयोग विदाउट इसके बिना भी कर सकते हैं, विदाउट नाउन या प्रोनाउन भी हम इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये इतना अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी अपने प्रेपोजिशन स्टार्ट नहीं हुए, अभी ये टॉपिक की ये जो फाउंडेशन है उसी की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। और इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हाउ टू यूज द प्रेपोजिशन एट राइट टाइम, ठीक है, कि सही टाइम पे कौन सा प्रेपोजिशन आपको काम में लेना है, इसकी बात हम करेंगे। और इसी क्रम में हम थोड़े से प्रेपोजिशन देख रहे हैं जो कंपैरेटिवली हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सम प्रेपोजिशंस, सम प्रेपोजिशंस, और इनको हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे हम पढ़ेंगे बिटवीन, और किसका यूज पढ़ेंगे हम, अमंग का यूज पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में हम देखो इन और इन टू का भी पढ़ेंगे, ये कंपैरेटिवली पढ़ेंगे दोस्तों। इन और एट का प्रयोग भी होता है, किसका प्रयोग होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ बात करने वाले हैं ओवर और अंडर। ये जो मैं लिख रहा हूँ दोनों को साथ में दोस्तों, तो इन दोनों में कंपैरिजन करते हुए वैसे पढ़ेंगे कि ओवर का यूज़ कहाँ होता है, अंडर का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने बिसाइड, और यहाँ लिख रहा हूँ बिसाइड्स, ठीक है। फिर आप देख लो इसमें ऑन का यूज़ कहाँ होता है, अपॉन का कहाँ होता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ देखना है अबव बिलो का प्रयोग पढ़ेंगे अपन दोस्तों, अबव और बिलो का, ठीक है। एक अपने पास है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, और दूसरा कौन सा है डिस्पाइट, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डिस्पाइट, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ और बात करने वाले हैं, जैसे अमंग होता है, और एक क्या हो जाएगा अमंगस्ट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अमिड का प्रयोग होता है, और ए कौन सा होगा अमिडस्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ एक अपने प्रेपोजिशंस हैं जो जिनको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देखो अक्रॉस, और किसका प्रयोग करेंगे थ्रू का। इसके अलावा हम पढ़ेंगे राउंड और अराउंड। एक बार इनको मैं बता देता हूँ कि इनको हम इस प्रकार से कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, इनको कंपैरिजन करते हुए, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या आएंगे। फिर हम पढ़ेंगे जैसे बाई और विद, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, इसको इन दोनों को। और इसके अलावा जैसे अपने पास है बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर ऑफ, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मेड ऑफ, और एक साथ में क्या होगा मेड फ्रॉम, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रेपोजिशंस हैं अपने, ये तो है। इनके अलावा और भी जितने भी प्रेपोजिशन हैं जो सिंगली, ये तो मैंने कंपैरिजन के अनुसार बताया है, इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं जो भी अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम जो फिक्स प्रेपोजिशंस हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिटवीन और अमंग का यूज। चलिए दोस्तों यहां से हम शुरू करने वाले हैं बिटवीन और अमंग, बिटवीन और अमंग। सबसे पहले ले रहे हैं हम बिटवीन, किसका यूज पढ़ेंगे दोस्तों, हम बिटवीन का यूज पढ़ेंगे। और बिटवीन का यूज कहाँ किया जाता है ये देख लो, जब दो के बीच बात करेंगे हम, किसके बीच, दो के बीच जब हम बात करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक के लिए हम जनरली अमंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब दो के बीच बात हो हम तो किसका प्रयोग करेंगे, जैसे देयर इज अ गुड फ्रेंडशिप, देयर इज अ गुड फ्रेंडशिप बिटवीन
एंड मी। तो दोस्तों यहाँ आपको देखना है, मैंने एक सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में यहाँ पे कैरेक्टर दो ही हैं, दो ही व्यक्तियों की बात हो रही है, हिम और मी, दो हैं आदमी। तो इसके लिए हमने प्रेपोजिशन कौन सा काम लिया, बिटवीन। क्या दोस्तों यहाँ अमंग का यूज़ पॉसिबल है क्या? यहाँ अमंग का यूज़ पॉसिबल नहीं है, यहाँ किसका यूज करना है, बिटवीन का ही यूज करेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ हम बात करने वाले हैं बिटवीन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। बिटवीन के साथ दोस्तों हमेशा कौन से केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। दूसरा यूज कौन सा रहेगा, बिटवीन के साथ हमेशा कौन से केस का प्रयोग करेंगे, एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस बोल दो इसको। कर्म कारक का प्रयोग करते हैं इसके साथ हमेशा, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ देयर इज एनमिटी बिटवीन ही एंड आई, ठीक है। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी दोस्तों, और इसमें आप देखो बिटवीन का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव बोले तो कर्ता कारक, जबकि मैंने आपको क्या बताया है कि बिटवीन और इनका यूज जहाँ भी करेंगे अपन, तो यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए था, इस ही के स्थान पे तो किसका प्रयोग होना चाहिए था, हिम, और आई के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों, मी। यानी ये एक्यूजेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस बोल दो, यानी इनके बाद में हमेशा कौन से केस का प्रयोग होता है, इस ऑब्जेक्टिव केस को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्यूजेटिव केस भी बोल सकते हैं। कौन सा केस, एक्यूजेटिव केस भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों पहला नियम तो ये था अपना कि बिटवीन का यूज हमेशा किसके लिए होता है, दो के बीच। तो यहाँ दो मेंबर्स हैं, दोनों के लिए हमने प्रेपोजिशन कौन सा काम लिया है, बिटवीन। लेकिन फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं बिटवीन के बाद में हमेशा कौन से केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस या इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस। तो यहाँ पे अपना सेंटेंस था देयर इज एन एनिमिटी बिटवीन ही एंड आई। ही एंड आई दोनों कौन से कारक हैं, कर्ता कारक, इनको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। कौन से केस बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस बोल दो या सब्जेक्टिव केस बोल दो, एक ही बात है दोस्तों। जब हम नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव इनकी बात करेंगे सबकी, ओके। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि बिटवीन का यूज, यहाँ नोट लगा के लिखवा रहा हूँ, बिटवीन का यूज दोस्तों हम दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन होती है अपने पास, ठीक है। सामान्यतः बिटवीन का यूज दोस्तों अपन किसके लिए करते हैं, दो के बीच ही करते हैं, लेकिन कई बार हम दो से अधिक के लिए भी किसका प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक, बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के बीच भी किया जाता है, बशर्ते उनमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यानी पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां लिखा है कि बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के बीच भी किया जाता है, बशर्ते इनमें क्या होना चाहिए, पारस्परिक संबंध होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहां लिखने वाला हूं फॉर एग्जाम्पल द टूर्नामेंट, द टूर्नामेंट इज टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका, ठीक है। द टूर्नामेंट इज टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो थ्री कंट्रीज है, मोर देन टू कंट्रीज है इसमें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, और लेकिन फिर भी यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं,
यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, बिटवीन की बात कर रहे हैं। प्रेपोजिशन कौन सा काम में लिया हमने, बिटवीन। क्या यहाँ पे अमंग का यूज पॉसिबल है क्या? नो, यहाँ अमंग का यूज नहीं होगा, क्योंकि इनमें क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होना चाहिए। और जब भी हम किसी ट्रीटी की बात करें, किसी पैक्ट की बात करें, जैसे संधि हो कोई, और आपस में पारस्परिक संबंध होना चाहिए, यानी सौहार्द की भावना जहाँ भी होगी, तो वहाँ हम दो से अधिक के लिए भी किसका प्रयोग कर लेंगे दोस्तों, बिटवीन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बिटवीन के साथ एक कंजक्शन काम में लेते हैं दोस्तों अपन, और वो कंजक्शन कौन सा आता है हमेशा एंड। हमने जब कंजक्शन का टॉपिक पढ़ा था, तो उस कंजक्शन के टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि बिटवीन के साथ में कंजक्शन कौन सा आता है, एंड का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM टू 11 AM। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ बिटवीन का यूज किया है हमने, किसका यूज किया है, बिटवीन का। लेकिन बिटवीन के साथ दोस्तों आपको पता है कि कंजक्शन कौन सा आता है, एक बिटवीन के साथ कंजक्शन कौन सा आता है, एंड का प्रयोग होता है। यहाँ आपको प्रयोग किसका करना था, एंड का प्रयोग करना था, क्योंकि बिटवीन का पेयर हमेशा जो भी होगा वो उसके साथ कंजक्शन कौन सा आएगा, एंड का ही प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग होगा। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी दोस्तों ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बिटवीन का प्रयोग जब भी करेंगे हम, बिटवीन का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के साथ ही होगा। किसके साथ होगा, प्लूरल नाउन के साथ, यानी बिटवीन के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, न कि सिंगुलर नाउन का। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ बिटवीन बॉयज, ठीक है, यहाँ लिख दिया बिटवीन देम, अब ये भी सारे प्लूरल नाउन ही है। जैसे यहाँ लिख दिया बिटवीन बिटवीन सिटीज, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ देखना क्या है कि बिटवीन का जहाँ भी प्रयोग किया गया है, तो इनके साथ में जो नाउन हम काम में ले रहे हैं, कौन सा नाउन आ रहा है, हमेशा प्लूरल नाउन आ रहा है। यहाँ भी कौन सा नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन है। सिटीज भी कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन के साथ में कभी भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग कभी भी नहीं होता बिटवीन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बिटवीन का यूज हम पढ़ रहे थे, और बिटवीन के यूज में आपने देख लिया कि बिटवीन के यूज क्या क्या है। तो एक बार इसको मैं फिर से रिकैप करवा रहा हूँ दोस्तों, बिटवीन का यूज। तो पहला यूज हम पढ़ रहे थे बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में किया जाता है, कितने के बीच किया जाता है, दो के बीच। एक बार मैं इसको शुरू से ही करवा देता हूँ। ठीक है, हाँ, बिटवीन पढ़ रहे थे दोस्तों। तो पहला यूज अपना कौन सा था, बिटवीन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दो के बीच। और यहाँ बिटवीन हिम एंड मी लिखा, तो दो मेंबर्स हैं तो दोनों के लिए बिटवीन का प्रयोग किया। यहाँ यदि अमंग का प्रयोग करते तो ये ऐसा यूज गलत होता। दूसरा हम बात कर रहे थे इसमें कि बिटवीन का जब भी हम प्रयोग करेंगे, तो इसके बाद में कौन सा केस आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एक सेंटेंस लिखा, देयर इज एन एनमिटी बिटवीन ही एंड आई, तो यहाँ ही के स्थान पे किसका प्रयोग होगा, एक्यूजेटिव केस को ही हम कौन सा केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। इसको कौन सा केस बोलते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और नॉमिनेटिव केस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। तो ये बात तो हो गई अपनी कि बिटवीन के साथ में हमेशा जो केस आएगा वो कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में हमने बात की थी बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, दो से अधिक के लिए भी किया जाता है। ठीक है, बशर्ते उनमें क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, पारस्परिक संबंध होना चाहिए। तो एक सेंटेंस था अपना, द टूर्नामेंट इज टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। तो ये दो से अधिक देश हो गए दोस्तों, और टूर्नामेंट जब भी खेला जाएगा तो उसमें पारस्परिक सौहार्द की भावना होनी चाहिए, अदरवाइज टूर्नामेंट नहीं खेला जा सकता। कोई भी संधि है, ट्रीटी है, कोई समझौता है, तो वहाँ भी किसकी भावना चाहिए, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की। तब हम बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपना तीसरा यूज था बिटवीन के साथ हमेशा कंजेशन कौन सा आता है, एंड का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, एंड का। और यहाँ पे देखो बिटवीन और टू का पेयर दे रखा था, तो बिटवीन के साथ कंजेक्शन कौन सा आना चाहिए, एंड का ही प्रयोग होना चाहिए। और कंजेक्शन वाले टॉपिक में भी हमने ये बात की थी। नेक्स्ट हमने बात की कि बिटवीन का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, तो बिटवीन बॉयज है, बिटवीन देम है, बिटवीन सिटीज है। और यहाँ हमने एक बात की थी कि बिटवीन के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग कभी भी नहीं होता, ठीक है, सिंगुलर नाउन, क्योंकि बिटवीन खुद ही प्लूरलिटी शो कर रहा है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, यानी इसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हमारे चैनल को जरूर आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसको दोस्तों, और पढ़ें इसको, एंजॉय करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।